अपलोड मोड में ओनली पर भी यूएसबी केबल वो इधर क्लिक करने से होता है और ये कंप्यूटर से ही चलेगा यूएसबी से, और कोड हमेशा के लिए अपलोड कर देना हो क्वार्टी में तो इसकी अपलोड मोड से होता है वो। उसको अगर वापस आप एक बार कोड अपलोड करके यूएसबी वापस कनेक्ट करोगे तो वो कोड चला जाएगा, है ना, फिर आप नॉर्मली उसको यूज कर सकते हो। हाँ, तो इसके नीचे जो भी कोड आपने लगाया है, कुछ भी लगाया तो वो हमेशा और इसके नीचे मान लीजिए ये लगा दिया हेलो 10 बार चलेगा चालू करने पर, या फिर 10 बार छोड़ दो हमेशा चल जाएगा, ठीक है, हेलो 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 आता ही रहेगा। अब मैं अपलोड कर दूंगा तो यूएसबी से वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी यूएसबी नहीं है इसलिए सिलेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्ट लिखा है क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं किया ना अभी, ठीक है। कि जब आप कनेक्ट कर देंगे ना तो ये प्लग बंद हो जाएगा, आप ऑब्जर्व कर कोई भी यूएसबी या सीरियल से कनेक्ट करोगे तो ये बंद हो जाएगा और कनेक्ट नहीं होगा तो खुला होगा। पाइथन में फॉरवर्ड ब्लॉक को इस तरह लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 टू 10, अरे सॉरी फॉर आई इन रेंज में अगर फॉरवर्ड होता इफ तो उसमें इफ दिस इज ट्रू वाला लगता है, व्हाइल ट्रू मतलब ये जब तक सही है तब तक ये चलेगा। तो ये पाइथन में जब आप कोडिंग करते हैं ना आपको पाइथन भी मिलेगा, वेबसाइट पे देखिएगा स्क्रोलिंग टेक्स्ट हेलो 2 सेकंड के लिए ये मीडियम स्पीड, ठीक है। हम पाइथन में होम जीरो साइड पर जाकर यही पे कॉपी पेस्ट कर देंगे,